ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। 13/9/2021 प्रातः मुरली। ओम शांति। बाप दादा मधुबन। आज मीठे मीठे प्यारे प्यारे शिव बाबा के महावाक्य। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, तत्वों सहित सभी मनुष्य मात्र को बदलने वाली यूनिवर्सिटी केवल एक ही है। यहाँ से ही सबकी सदगति होती है। प्रश्न है, बाप में निश्चय होते ही कौन सी राय फौरन अमल में लानी चाहिए? उत्तर में बाबा ने कहा, पहला जब निश्चय हुआ कि बाप आया है, तो बाप की पहली पहली राय यह है कि इन आँखों से जो कुछ देखते हो उसे भूल जाओ, एक मेरी मत पर चलो। इस राय को फौरन अमल में लाना चाहिए। दूसरा, बाबा ने कहा, जब तुम बेहद के बाप के बने हो तो पतितों के साथ तुम्हारी लेन देन नहीं होनी चाहिए। निश्चय बुद्धि बच्चों को कभी किसी बात में संशय नहीं आ सकता। ओम शांति। यह घर का घर भी है और यूनिवर्सिटी भी है, इसको ही गॉड फादरली वर्ल्ड यूनिवर्सिटी कहा जाता है, क्योंकि सारी दुनिया के मनुष्य मात्र की सदगति होती है। रियल वर्ल्ड यूनिवर्सिटी यह है, घर का घर भी है, माता पिता के सम्मुख बैठे हैं, फिर यूनिवर्सिटी भी है, स्पिरिचुअल फादर बैठा हुआ है, यह रूहानी नॉलेज है जो रूहानी बाप द्वारा मिलती है। बाबा का नॉलेज है ही आत्मा के लिए और परम आत्मा आकर यह नॉलेज देते हैं। इस तरह स्पिरिचुअल नॉलेज सिवाय स्पिरिचुअल फादर के और कोई मनुष्य दे नहीं सकते, उनको ही ज्ञान का सागर कहा जाता है और ज्ञान से ही सदगति होती है। इसलिए ज्ञान सागर सर्व का सदगति दाता एक बाप ही है। बाप द्वारा सर्व यूनिवर्स के मनुष्य तो क्या, परंतु हर चीज पांच तत्व भी सतो प्रधान बन जाते हैं, सबकी सदगति होती है। यह पूरा संसार ही जो तमो प्रधान है, तो आप सतो प्रधान बनाने आए ही हैं, पतित पावन बनाने वाले सर्वात्माओं के पिता सर्वशक्तिमान शिव भगवान। तो यह सिर्फ मनुष्यों को नहीं, हर चीज को, पांच तत्वों को भी सतो प्रधान बनाते हैं, सतो प्रधान बन जाती है। किससे? इस ऊंचते ऊंच ज्ञान के सागर ज्ञानदाता के ज्ञान द्वारा। तो सबकी सदगति होती है। यह बातें बड़ी समझने की हैं, यह भी गुहा बातें हैं। पांच तत्व जो अभी सूरज के तपन, कहीं सर्दी, कहीं अतिवृष्टि, कहीं अनावृष्टि, कहीं हवा भी नुकसान दे रही है, पानी भी नुकसान कर रहा है, तो यह सब फिर नुकसान नहीं करेंगे, है ना, कोई भी चीज दुख नहीं देने वाली होगी, तो इसे ही फिर सतो प्रधानता कहते हैं। इस तरह बाबा कहते हैं सबकी सदगति होनी है। पुरानी दुनिया और नई दुनिया में रहने वाले जो हैं, बाबा कहते जो ये पुरानी दुनिया है ना, और दुनिया में रहने वाले सब चेंज हो जाएंगे, तभी तो नई दुनिया बनेगी। जो कुछ यहाँ देखते हो वह सब बदल कर नया होने का है। गाया भी जाता है, यहाँ है झूठी माया, झूठी काया, झूठा सब संसार। कहते हैं ना, झूठी माया, झूठी काया, झूठी सब संसार। हमने जिसे माया समझा,
उस माया की तो ईश्वर बात ही नहीं करते। हमने इस काया को ही सब कुछ समझ रखा, जबकि ये काया तो नश्वर है, शरीर नश्वर है। हमने आत्मा नहीं समझा, जबकि अविनाशी आत्मा ही है जिसे समझना है। तो इसीलिए फिर गाया है झूठी माया झूठी काया। तो यह झूठ खंड बन जाता है। भारत सच खंड था, अभी झूठ खंड है। रचयिता और रचना के बारे में जो मनुष्य कहेंगे वह झूठ अभी तुम बाप द्वारा जानते हो। भगवान बाच, भगवान एक बाप है ना, वह है निराकार। असल में तो सब आत्माएं निराकार हैं, फिर यहाँ साकार रूप लेती हैं। आत्मा का स्वरूप कैसा है? निराकार है ना। जब तक ये शरीर नहीं लेती तो पार्ट बजाने जब आत्माएं आती हैं, जब ये दिखने वाला व्यक्त अव्यक्त आत्मा व्यक्त शरीर को धारण करती है, अर्थात साकार में रूप लेती है। वहां आकार नहीं है, वहां कोई भी आकार नहीं है। आत्माएं मूल वतन वा ब्रह्म महातत्व में निवास करती हैं। वह है हम आत्माओं का घर, ब्रह्म महातत्व। यह आकाश तत्व है जहां साकार पार्ट चलता है। वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट होती है, इसका अर्थ भी समझते नहीं, कहते हैं रिपीट होती है। गोल्डन एज, सिल्वर एज, फिर क्या? फिर गोल्डन एज जरूर आएगी। संगम युग एक ही होता है, सतयुग, त्रेता व त्रेता और द्वापर का संगम नहीं कहा जाता, वह रॉन्ग हो जाता है। बाप कहते हैं मैं कल्प 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 के संगम युगे आता हूँ, मुझे बुलाते ही तब है जब पतित बनते हैं। कहते हैं आप पावन बनाने आओ, पावन होते ही हैं सतयुग में, अभी है संगम। इनको कल्याणकारी संगम युग कहा जाता है, आत्मा और परमात्मा के मिलन का संगम। इनको कुंभ भी कहा जाता है। वह फिर दिखाते हैं नदियों का मेला, दो नदियां तो हैं, तीसरी फिर गुप्त नदी किसे कहते हैं? तो वह बाबा कहते हैं यह भी झूठ, गुप्त नदी कोई हो नहीं। बाबा कहते गुप्त नदी कोई हो सकती है क्या? साइंस वाले भी नहीं मानेंगे कि कोई गुप्त नदी हो सकती है। तीर मारा गंगा निकल आई, यह सब झूठा है, गाया हुआ है भक्ति, गाया हुआ है ज्ञान भक्ति वैराग्य। यह अक्षर पकड़ लिया है परंतु अर्थ नहीं समझते हैं। पहले पहले ज्ञान दी सुख, फिर है भक्ति रात अर्थात दुख। तो ब्रह्मा का दिन ब्रह्मा की रात, यह अब एक की तो हो ना सके, कोई एक मनुष्य के राज्य करने से तो राज्य नहीं कहेंगे ना, तो राज्य में अनेक चाहिए। तो इस तरह से ब्रह्मा का दिन ब्रह्मा की रात अर्थात ब्रह्मा क्या करते हैं? बाबा कहते हैं कि ब्रह्मा ही जाकर सतो प्रधान कर्मातीत अवस्था को प्राप्त कर, ब्रह्मा ही जो विष्णु बन फिर दिन में आते। ब्रह्मा की रात और ब्रह्मा का दिन, तो ब्रह्मा फिर विष्णु बन उनके द्वारा पालना, और फिर वही 84 जन्म लेके जो आधा कल्प से आते हैं, फिर वही उनके कहना चाहिए कि 84 जन्म लेने के बाद ब्रह्मा फिर वही चढ़ती कला में इस संगम युग पर विष्णु बनते, साकार में ब्रह्मा यहाँ ही संगम युग में होते हैं। तो अब एक की तो बात हो ना सके, बहुत होंगे ना। दिन होता है आधा कल्प का, फिर रात भी होती है
आधा कल्प की, इसमें एक दिन ज्यादा एक कम हो नहीं सकता, जैसे 15 दिन की अमावस्या और फिर 15 दिन का ही जो होता है कि अमावस्या और पूर्णिमासी जो आधा आधा पख देखते हैं ना, 15-15 दिन का, ऐसा ही है 2500 वर्ष रात और 2500 वर्ष कहना चाहिए दिन, अर्थात सुख और भक्ति से रात है ना, अर्थात दुख। तो इस तरह से फिर रात भी होती है आधा कल्प की। फिर होता है सारी पुरानी दुनिया से वैराग्य, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष भी गाया हुआ है, तो शुक्ल पक्ष अर्थात सुख के दिन और कृष्ण पक्ष अर्थात दुख है। तो बाप कहते हैं, देह सहित जो कुछ भी तुम इन आंखों से देखते हो उस उनको ज्ञान से भूलना है, धंधा आदि सब करना है, बच्चों को संभालना है, सब करना है, बच्चों को बाबा कहते हैं संभालना है तो, परंतु बुद्धि का योग एक से लगाना है। आधा कल्प तुम रावण की मत पर चलते हो, अब बाप का बने हो तो जो कुछ करो सो बाप की राय से करो, तुम्हारा लेन देन इतना समय पतितों से चला आया है उसका नतीजा क्या हुआ है, दिन प्रतिदिन पतित ही बनते आए हो, क्योंकि भक्ति मार्ग में है ही उतरती कला का मार्ग। जब द्वापर से भक्ति शुरू होती है ना, तो पहले शिवालय, क्योंकि शिव ने ही सुख की दुनिया में ले जाने का स्थापना का कार्य जो ब्रह्मा के द्वारा किया ना, तो वो भासना जागती है और सबसे पहले शिवालय होते, फिर बाद में ये धर्मादि और जो बाद में और स्थापन होते हैं और बढ़ते जाते हैं। तो जितना जितना बढ़ेगा, जितने जितने मत होंगे, उतने ही द्वैत का कारण शुरू होता है ना, जहाँ एक होगा तो वहाँ अनेकता नहीं रहती, तो एकता में ही फिर सुख होता है, एकता में ही आपका एक मत होती है ना। फिर इसी तरह से बाबा कहते हैं भक्ति शुरू होती ही द्वापर से है, तो द्वापर में भी इतना दुख नहीं होता है ना, लेकिन इस अंतिम में बहुत बहुत दुख होता है, हर कोई दुखी है ना किसी ना किसी कारण। तो कभी कभी मनुष्य आत्माएं समझते हैं जिनके पास जास्ती धन है तो वो दुखी नहीं है, लेकिन दुखी सभी हैं, कोई बीमारी घेरी है, कोई और कारण से होते हैं दुखी। तो बाबा कहते सतु प्रधान जो भक्ति मार्ग है ही उतरती कला का मार्ग है ना, तो सतो रजो तमो बाबा कहते ना, ये तीन स्टेजेस होती हैं, सतो प्रधान सतो रजो तमो में आना होता है, उतरना ही है जरूर, इसमें कोई छुड़ा ना सके, इससे कोई नहीं छुड़ा सके। बाबा कहते हैं लक्ष्मी नारायण के भी 84 जन्म बताए हैं ना, अंग्रेजी के अक्षर बड़े अच्छे हैं, गोल्डन एस सिल्वर एस, ऐसी खाद पर दी जाती है, इस समय आकर आयरन एज्ड बने हैं। गोल्डन एज में नई दुनिया थी, नया भारत था, इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था। कल की बात है, शास्त्रों में लिख दिया है लाखों वर्ष। अब बाप कहते हैं तुम्हारे शास्त्र राइट हैं या मैं राइट हूँ। बाप को कहा जाता है वर्ल्ड ऑलमाइटी अथॉरिटी, जो वेद शास्त्र बहुत पढ़ते हैं उनको अथॉरिटी कहा जाता है। बाप कहते हैं यह सब भक्ति मार्ग की अथॉरिटी है, ज्ञान के लिए तो मेरा गायन करते हैं, आप ज्ञान के सागर हो हम नहीं हैं। मनुष्य सब भक्ति के सागर में डूबे हुए हैं, सतयुग में कोई विकार में जाते नहीं, तो कलयुग में तो मनुष्य आदि मध्य अंत दुखी होते रहते हैं। बाप ने कल्प पहले भी ऐसे समझाया था, अब फिर समझा रहे हैं। बाबा कहते बच्चे समझते हैं, कल्प पहले भी बेहद के बाप से बरसा लिया था, अब फिर पढ़कर पा रहे हैं। समय बहुत थोड़ा है, यह तो विनाश हो जाएंगे, इसलिए बेहद के बाप से पूरा वर्षा लेना चाहिए। यह बाप टीचर गुरु भी है, सुप्रीम फादर सुप्रीम टीचर भी है,
वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी कैसे रिपीट होती है सारी नॉलेज देते हैं। यह और कोई समझा ना सके। अभी बच्चे समझते हैं 5000 वर्ष पहले मुआफिक यह वही गीता का भगवान है। श्री कृष्ण नहीं है, मनुष्यों को भगवान नहीं कहा जाता। भगवान तो है ही पुनर्जन्म रहित, इनको दिव्य जन्म कहते हैं। नहीं तो मैं निराकार बोलूं कैसे? निराकार आत्मा परमात्मा, कोई बिजली ऊपर से चमकेगी प्रेरणा से या उसको उस बिजली के चमकने से तो कोई समझ नहीं लेगा कि जैसे ऊपर से लाइट चमक रही है तो निराकार परमात्मा चमक रहे हैं और वो हमें इशारा कर रहे हैं, या ऐसा तो कोई अपने खुद के मत से तो नहीं आगे बढ़ सकता ना, जब तक वो स्वयं आकर के इस आधार लेकर के इस रथ को लेकर के ज्ञान देना है तो इस मुख के द्वारा परमात्मा स्वयं आकर के ज्ञान देते हैं। बाबा कहते हैं नहीं तो मैं निराकार बोलूं कैसे, मुझे तो जरूर आकार पावन पावन जो आकर पावन बनाना है। तो युक्ति तो बतानी पड़ेगी, नहीं तो कैसे होगा? बाबा कहते तो युक्ति बतानी पड़े। तुम जानते हो हम आत्मा अमर है, रावण राज्य में तुम सब देह अभिमानी बन पड़े हो, सतयुग में देही अभिमानी होते हैं, बाकी परमात्मा रचता और उनकी रचना को वहां कोई भी नहीं जानते। अगर वहां भी मालूम हो कि हमको फिर ऐसे गिरना है तो राजाई की खुशी ही ना रहे, इसलिए बाप कहते हैं यह नॉलेज वहां प्रायः लोप हो जाती है, जबकि तुम्हारी सदगति हो जाती है, फिर ज्ञान की दरकार ही नहीं। ज्ञान का दरकार ही दुर्गति में हो, ज्ञान की दरकार कहाँ होती है? दुर्गति में ही होगी ना, जब दुखी नहीं होंगे तो ज्ञान आदि जानने से क्या है? ऐसे तो भक्ति काल में भी यदि कोई सुखी रहता है तो कहते हैं कि क्या करना पूजा पाठ, अभी तो समय है खाने खेलने वो ना कूदने के, तो इस तरह से नास्तिक बने फिरते हैं कि वो क्या करेगा, हम तो अपनी मेहनत से कर रहे हैं, इस तरह से बहुत बहुत देह भान में चलते हैं। तो बाबा कहते हैं इस तरह से ज्ञान की दरकार ही दुर्गति में होती है। तो इस समय सब दुर्गति में है, सब काम चिता पर बैठ जल मरे है। बाप कहते हैं मेरे बच्चे आत्माएं जो शरीर द्वारा आकर पाठ बजाती हैं, वह कामचिता पर बैठ क्या हुए हैं, तमो प्रधान बन पड़े हैं। बुलाते भी हैं कि हम पतित बन पड़े हैं, है ना, सभी पुकारते हैं ना, विश्व की सभी आत्माएं दुखी में पुकारती हैं। और अभी तो बाबा को आना ही है, वह भी ड्रामा में पाठ है। तो बाबा कहते हैं इस तरह से बुलाते भी हैं, पतित बनते ही हैं काम चित्ता से, क्रोध वा लोभ से पतित नहीं बनते हैं। साधु संत आदि पावन हैं, देवताएं पावन हैं, तो पतित मनुष्य जाकर माथा टेकते हैं। गाते भी हैं आप निर्विकारी हम विकारी, है ना, वॉइसलेस वर्ल्ड विशेष वर्ल्ड गाया जाता है ना, भारत ही वॉइसलेस वर्ल्ड था अब विशेष है। भारत के साथ सारा वर्ल्ड ही विशेष है। वॉइसलेस वर्ल्ड में आज से 5000 वर्ष पहले एक ही धर्म था, पवित्रता थी तो पीस प्रॉस्पर्टी तीनों ही थे। प्योरिटी है फर्स्ट, अभी प्योरिटी नहीं है तो पीस प्रॉस्पर्टी भी नहीं है। ज्ञान का सागर, सुख का सागर, प्यार का सागर एक ही बाप है। तुमको भी ऐसा प्यारा बनाते हैं, इन लक्ष्मी नारायण की राजधानी में सब प्यारे हैं, मनुष्य मात्र जानवर आदि सब प्यारे हैं, शेर बकरी खट्टे जल पीते हैं और यह संभव सिर्फ और सिर्फ सतयुग में है तो इकट्ठे पीते हैं, यह एक दृष्टांत है। वहां ऐसी चीज गंद करने वाली कोई होती नहीं, यहाँ बीमारियां मच्छर आदि सब आदि बहुत हैं, वहां ऐसी कोई चीज होती नहीं। साहूकार आदमियों के पास, बाबा कहते फर्नीचर और
फर्नीचर भी फर्स्ट क्लास होता है न? तो गरीबों का फर्नीचर भी साधारण, भारत अभी गरीब है, कितना कचरा लगा हुआ है। बापा कहते हैं सतयुग में कितनी सफाई रहती है, सोने के महल आदि कितने फर्स्ट क्लास होंगे, बैकुंठ की गायें भी देखो। बाबा कहते हैं इस तरह से कितनी फर्स्ट क्लास होती हैं, है ना। कृष्ण को कितनी अच्छी गायें दिखाते हैं, कृष्ण को कितनी अच्छी गायें दिखाते हैं, जहाँ भी फोटो आदि देखी तो वो कहीं ना कहीं जो हुआ है, जो होकर गुजरा है, जो गुजरा हुआ कल, तो ऐसे ही भगवान की मूर्तियाँ या चित्रकार ऐसे चित्र नहीं बना देते, उसको जब भगवान का बनाना होता है, गॉड गॉडेस का चित्र बनाना होता है, तो उसको भासना तो आती होगी ना, है तो वो कल्प नहीं, लेकिन ऐसा था इसीलिए तो कभी बिना हुए तो नहीं संभव है ना कि वो चीज़ें हो। तो इसी तरह से बाबा कहते हैं कि कितनी अच्छी गाय आदि दिखाते हैं, तो कृष्णपुरी में लाए गायें तो होती है ना, वहां बाबा कहते सभी फर्स्ट क्लास होती हैं। हेवन तो फिर क्या, बाबा कहते हैं इस पुरानी छीछी दुनिया में तो बहुत किचड़ा है, यह सब इस ज्ञान यज्ञ में स्वाहा हो जाएगा। कैसे कैसे बॉम्ब्स बनाते रहते हैं, बॉम्ब फेंके तो आग लेकर निकल आए, आजकल तो ऐसे जीवाणु भी डालते हैं, ऐसा विनाश करते हैं जो बेहद में खत्म हो जाए, हॉस्पिटल आदि बाबा कहते तो रहेंगे नहीं जो दवाई आदि कर सके, वहाँ कोई वकील इंजीनियर इस तरह से कोई नहीं रहता, स्वतः ही इतना होता है कि ऐसे कोई सजा आदि जेल जाने की या इस तरह से कोई वाक्या ही नहीं होता, वहाँ अद्वैत जो है तो वहाँ पे द्वैत की कोई बात ही नहीं है, तो इन सब चीज़ों की नहीं। तो बाबा कहते अभी तो सफाई चल रही है ना, जो जो आत्मा है सतयुग में आना अभी तो वो चल रहा है, अभी हुआ नहीं। तो इस तरह से बाबा कहते हैं वहाँ थोड़े ना कोई दवाई आदि रहेगी जो डॉक्टर की ज़रूरत पड़ेगी। तो बाप कहते हैं बच्चों को कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए, इसलिए गाया हुआ है नेचुरल कैलामिटी मूसलाधार बरसात। तो क्या है, पापा कहते हैं यदि आप बीमार पड़ेंगे कुछ इस तरह से हुआ तो भी आप डॉक्टर के पास जाएंगे, लेकिन यदि मूसलाधार या कुछ विनाश ऐसा हो जाए तो फिर किसी की भी, पापा कहते हैं कि विनाश तो जरूर होगा ना। तो इस तरह पापा कहते हैं कैलमिटीज मूसलाधार बरसात, है ना, बच्चों ने विनाश का साक्षात्कार भी किया है। बुद्धि भी कहती है विनाश तो जरूर होना है, काहे कोई कहे विनाश का साक्षात्कार हो तब माने, अच्छा नहीं मानो तुम्हारी मर्जी, हाँ जब देखेगा तो खुद ही पता चलेगा। कोई कहे हम आत्मा का साक्षात्कार करें तब हम माने, तो अच्छा आत्मा तो बिंदी है, देख लिया तो क्या हुआ, बाबा कहते हैं बिंदी है और उसे देख लिया तो क्या हुआ, क्या इससे सदगति होगी, क्या आत्मा को आप देख लेंगे तो आपकी उससे सदगति होगी। अब गांधी जी ने इतना सारा चलाया तो उससे क्या मनुष्यों की सदगति हुई, है उनका तो श्रेय जाता है वो महान आत्मा का, है ना। इस तरह से ऐसा तो नहीं कि उनके जो भी रूल बताए या जो उनके उस पे चल रहे हैं तो उसके ज्ञान से सदगति होगी या कोई डॉक्टर के ज्ञान से सदगति होगी, सदगति तो एक ही बाप के ज्ञान से होती है, है ना। तो बाबा कहते हैं परमात्मा अखंड ज्योति स्वरूप हजारों सूर्य से तेजोमय है, परंतु ऐसे है नहीं, गीता में लिखा है, अर्जुन ने कहा बस करो, हम सहन नहीं कर सकते, नहीं कर सकता हूँ, ऐसी बात नहीं है। बाप को बच्चे देखें और कहें हम सहन नहीं कर सकते, तो ऐसे कुछ भी नहीं, जैसी आत्मा है वैसे परमपिता परमात्मा बाप है, सिर्फ वह ज्ञान का सागर है, तुम्हारे में भी ज्ञान है, बाप ही आकर पढ़ाते हैं और कोई बात ही नहीं, जो जो जिस भावना से याद करती है वह भावना पूरी कर देता हो, वह भी ड्रामा में नूंद है, बाकी भगवान किसको मिल नहीं सकता, मेरा साक्षात्कार में कितना खुश
बाबा कहते हैं मेरा साक्षात्कार में कितना खुश होती थी, दूसरे जन्म में भी भक्तिन बनी होगी। बैकुंठ में जो जा नहीं सकती, अभी तुम बच्चे बैकुंठ में लाने की तैयारी कर रहे हैं। बैकुंठ को क्या करना है, बैकुंठ में जाना है, तो बैकुंठ ऐसा तो नहीं कि हम उधर चले जाएंगे, बैकुंठ को इस संसार में ही स्थापन करना है, तो उसके लिए फिर वैसी तैयारी करना है। बाबा कहते हैं तैयारी कर रहे हो बैकुंठ में जाने की, जानते हो हम बैकुंठ कृष्णपुरी के मालिक बन रहे हैं, यहाँ तो सब नर्क के मालिक हैं। हिंदू बाबा कहते हैं हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट होगी ना, बच्चे जानते हैं हम अपना राज्य भाग्य फिर से ले रहे हैं, यह है राजयोग बल। बाबा कहते बाहुबल की लड़ाइयाँ तो अनेक बार होती हैं, अनेक बार अनेक जन्म चले हैं, योग बल से तुम्हारी चढ़ती कला है, जानते हो बरोबर स्वर्ग की राजधानी स्थापन हो रही है। जिन्होंने कल्प पुरुषार्थ किया होगा वैसे ही करेंगे। तुमको हॉस्पिटल, पापा कहते हैं इस तरह से यदि कोई हॉस्पिटल बनाता तो उसको अगले जो कहना चाहिए जन्म में अल्पकाल का सुख मिल जाएगा, है ना। लेकिन ऐसा तो नहीं है कि ऐसा सब करने से जो आप है सदगति को प्राप्त कर लेंगे। पापा कहते इस तरह से पहले पुरुषार्थ किया होगा वैसे ही करेंगे, तो तुमको हार्ट फेल नहीं होना चाहिए किसी को देखकर, है ना, ज्वेलसी नहीं होनी चाहिए। विशेषता अपना अब गुणों को छोड़ दो, हाँ जगह भी उन्हीं विचारों के लिए, उन्हीं श्रेष्ठता के लिए रखो, अदरवाइज ताला लगा दो, है जो अनवांटेड है, जो व्यर्थ है, जो झरमुई झरमुई बातें हैं। तो बाबा कहते इस तरह से तुमको हार्ट फेल नहीं होना चाहिए, जो पक्के निश्चय बुद्धि हैं उनको कभी संशय नहीं आ सकता। संशय बुद्धि में बुद्धि भी बहुत, बाबा कहते हैं संशय बुद्धि भी होते जरूर हैं। बाबा ने कहा है आश्चर्य बत सुनंती कथंती भगत, अहो माया तुम इन पर चीत पा लेती हो, माया बहुत बलवान है। अच्छे अच्छे फर्स्ट क्लास सर्विस करने वाले सेंटर चलाने वाले को भी माया थप्पड़ मार देती है। लिखते हैं बाबा शादी कर मुंह काला कर दिया, काम कटारी से हमने हार खा ली, अब तो बाबा आपके सामने आने लायक नहीं रहे हैं। फिर लिखते हैं बाबा सम्मुख आए, बाबा लिखते हैं काला मुंह किया, अब यहाँ नहीं आ सकते हो, यहाँ आकर क्या करेंगे। फिर भी वहां जाकर बाबा कहते इस तरह से क्या करना है, वहां यहाँ आकर क्या करेंगे, फिर वहां रहकर पुरुषार्थ करो। एक बार गिरा सो गिरा, फिर भी वहां रहकर पुरुषार्थ करो, एक बार गिरा सो गिरा, ऐसे नहीं राजाई पद पा सकेंगे। कहा जाता है ना, चढ़े तो चाखे बैकुंठ रस, गिरे तो एकदम चंडाल, हड गुड टूट पड़ते हैं। बाबा कहते हैं कि ऐसा तो नहीं है ना कि एक बार मुंह काला किया तो बाबा कहते फिर यहाँ नहीं आ सकते हो, यहाँ आकर फिर बाबा कहते क्या करेंगे, अब मुंह तो काला हो गया, तो बाबा कहते फिर से वहां जाकर हम पुरुषार्थ करें, ऐसा संभव नहीं है। बाबा कहते हैं इस तरह से कहा भी गया है कि चढ़े तो चाखे बैकुंठ रस, गिरे तो एकदम चांद, हड गुड़ टूट पड़ते हैं। 5 मंजिल से गिरते हैं, फिर कोई कोई सच लिखते हैं, कोई तो सुनाते ही नहीं है। इंद्रप्रस्थ की परियों का भी मिसाल है ना, यह है सारे ज्ञान की बात। परंतु कोई हालत में बिठाना होता है, पतित ही तो आएंगे ना। अभी तो देखो कितनी द्रौपदियां पुकारती हैं, कहती हैं बाबा हमको नग्न करने से बचाओ, बांधेलियों का भी पार चलता है, कामेशु क्रोधेशु होते हैं ना, बड़ी खिचपिच होती है। बाबा के पास समाचार आते हैं, बेहद का बाप कहते हैं बच्चे इन पर चीत पहनो, अब पवित्र रहो, मुझे याद करो तो गारंटी है।
विश्व के मालिक बनोगे। अखबारों में भी खुद डालते हैं कि कोई प्रेरक है जो हमसे यह बॉम्ब शादी बनवाते हैं, इससे अपने ही कुल का नाश होगा। अपना कुल कैसे? हम एक पिता की संतान, आपस में भाई भाई, एक परिवार, विश्व एक परिवार है ना। तो इस तरह बाबा कहते हैं जो बॉम्ब शादी बनाते हैं इससे अपने ही कुल का नाश होगा। परंतु क्या करें, ड्रामा में नींद है, दिन प्रतिदिन बनाते जाते हैं, टाइम बहुत तो नहीं है ना। अच्छा, बाप दादा का याद प्यार, मीठे मीठे सीकी लाधे बच्चों प्रति, मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग, रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, हम रूहानी बच्चों की रूहानी मात पिता बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहला बाबा ने कहा, सतयुगी प्यार की राजधानी में चलने के लिए बहुत बहुत प्यारा बनना है, राजाई पद के लिए पावन जरूर बनना है, पवित्रता फर्स्ट है इसलिए काम महाशत्रु पर विजय पानी है। दूसरा बाबा ने कहा, इस पुरानी दुनिया से बेहद का बैरागी बनने के लिए इन आँखों से देह सहित जो कुछ दिखाई देता है उसे देखते भी नहीं देखना है, हर कदम पर बाप से राय लेकर चलना है। आज का वरदान बाबा ने दिया, समस्याओं को चढ़ती कला का साधन अनुभव कर सदा संतुष्ट रहने वाले शक्तिशाली भव। जो शक्तिशाली आत्माएं हैं वह समस्याओं को ऐसे पार कर लेती हैं जैसे कोई सीधा रास्ता सहज ही पार कर लेते हैं। समस्याएं उनके लिए चढ़ती कला का साधन बन जाती हैं। हर समस्या जानी पहचानी अनुभव होती है, वे कभी भी आश्चर्यवत नहीं होते बल्कि सदा संतुष्ट रहते हैं। मुख से कभी कारण शब्द नहीं निकलता लेकिन उसी समय कारण को निवारण में बदल देते हैं। आज का स्लोगन है, स्वस्थिति में स्थित रहकर सर्व परिस्थितियों को पार करना ही श्रेष्ठता है। स्वस्थिति में स्थित रहकर सर्व परिस्थितियों को पार करना ही श्रेष्ठता है। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।